भाई बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है पैर। घुड़सवारी भी कर रहे लोग। ये देखना भाई फुल ऑन पैसा वसूल। उस साइड स्नोफॉल हो रही है वहाँ भाई, हल्की हल्की स्नो में महसूस हो रही है, मुंह पे पड़ रही है भाई। -14 भाई अभी इस टाइम पे टेम्परेचर। भाई कैसा लग रहा है आपको भाई? पैसे वसूल, पैसे वसूल। देख सकते की बात, अभी मैं पब्लिक को दिखाता हूँ भाई, बैक कैम से दिखाऊंगा जो हम देख रहे हैं ना अभी। बढ़िया एक नंबर पैसे वसूल हो गए भाई। यहाँ का दिखाओ पहले, राइट का, राइट साइड से ये देखो भाई, बैक कैम से दिखाता हूँ ना एक बारी, बाहर गाड़ी से उतर के एक बारी भाई गाड़ी से उतर जाते पहले। ये देखो भाई, ये देख लो गाइस क्या ही नजारा भाई। और हमारे जस्ट राइट साइड में रिवर भी थी एक, ये जी। अरे भाई ये देखो भाई बर्फ, गाड़ी का टायर आ गया अगला। ये देखना, ओ ये देखियो यार कैसी बर्फ हो रखी है भाई। ये तो आजा बाहर आजा, फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं एक आध, आगे खिंचवाएंगे ना सोनमर्ग में। चलो सोनमर्ग चलते हैं क्योंकि अब गाड़ी में रोक नहीं रहे ज़्यादा। वो तो भाई मैंने ये थोड़ा ये दिखाने के लिए रोक ली गाड़ी। चलो भाई हाँ, मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब सा लग रहा है मुझे, अब गाड़ी में बैठ तो सोनमर्ग जाके ब्लॉगिंग करूँगा मैं, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो रखा है और अपनी जैकेटें जुकेटें और टोपे वोपे निकालने पड़ेंगे और ज़्यादा। हाँ भाई, हाँ भाई। कहाँ रहा बीच में तू, चला साइड हो, रास्ता भूल गया। हाँ बीच रास्ते में आ रहा है। भाई 4:57 और भाई हमारा स्वागत हो चुका है सोनमार्ग में, वेलकम टू सोनमार्ग। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। पहले तो यार रूम वगैरह देख ले कहीं पे, अगर आगे रूम मिलेगा, आगे मिलेगा ना, आगे रूम वगैरह देख लेते। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा भाई गड्ढे गुड्ढे हो रखे हैं। हाँ हो रही है स्नोफॉल, देख रहा है जो जिला पे ऊपर देखो भाई, ऊपर स्नोफॉल हो रही है। देखो भाई वहाँ ऊपर देख रहे हो आपको, उधर उस साइड स्नोफॉल हो रही है, वहाँ पे जहाँ पे कोहरा कोहरा धुंध धुंध सी नज़र आ रही है ना, वही हो रही है स्नोफॉल। हमारी किस्मत में भाई वो तो भाई, अरे यहाँ पे मिल जाएंगे रूम वगैरह तो सोनमार्ग में देखेंगे ना, सोनमार्ग ये है पूरा। और भाई ये अपनी पर्ची कटी थी 110 रुपये की अभी सोनमार्ग में, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अभी कितना टेम्परेचर बता रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री, गाड़ी में 0 डिग्री है, बाहर होगा गाड़ी में भाई 0 डिग्री टेम्परेचर है, और तो बाहर -1 या 2 होगा। और रात को देखते कितना जाता है यहाँ पे, क्योंकि आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं। एकदम लाइव स्नोफॉल दिखी भाई हमें, लाइव स्नोफॉल, बट हम फील नहीं कर पा रहे उस चीज को। आ रही है हमारे साथ बदकिस्मती है, हमारे सामने देखो बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पे नेटवर्क भी उठ चुके हैं, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल नेटवर्क नहीं। संजय भाई वीडियो कैप्चर करने में लगा पड़ा इसे, यहाँ पे भी होगी वो। देखो भाई उधर उधर स्नोफॉल हो रही है, एक बार दिख लियो ये सामने भी स्नोफॉल है, पूरी स्नोफॉल भाई, हल्की हल्की स्नो में महसूस हो रही है मेरे को रवि, हम सबको हल्की हल्की महसूस। ये देखो मुंह पे पड़ रही है, कैमरा में शायद जस्टिफाई हो रहा नहीं, देखो हल्की हल्की, देख रहा हूँ गाड़ी पे दिखाता हूँ, देखो ये गिर रही छोटी छोटी सी, ये देखो उड़ते हुए जा रही है स्नोफॉल। एक्सपीरियंस तो कर लिया भाई, ये देखो देखो तेज हो रही है, अब तेज हो रही है, अबे आ रहे हैं, मैं दिखा दे ला।
महसूस हो रही है स्नोफॉल। और एक बार यार आप ठंड थोड़ी ज़्यादा सी है तो भाई टोपे वगैरह निकाल के पहन लेते हैं। वो देखो भाई वहाँ पे देखो भाई पब्लिक भाई एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया लोंडे सारे गाने बजा के भाई वहाँ। ओ भाई ये देखना भाई अंदर घुस गया था अभी इसने भाई साहब आज से फोटो खींच देना फुल ऑन पैसा वसूल। सामने देखो भाई क्या मौसम हो रखा है भाई। चलो भाई बैठो भाई गाड़ी के अंदर बैठो फोन उठा। जम गए भाई फुल करते भाई कपड़े काम नहीं आ रहे भाई कपड़े काम के नहीं है भाई। मैंने पता अंदर से कितने लेयर पहनी हुई है इसके अंदर एक गर्म टी शर्ट पहन रखी है और उसके अंदर एक और गर्म टी शर्ट पहन रखी है तीन लेयर तो ये पहन रखी है और तीन लेयर मैंने नीचे पहन रखी है इसके नीचे गर्म पजामा और उसके अंदर अपने एक गर्म पजामे पहन रखी है भाई तब भी ठंड लग रही है भाई। ये देखो भाई पब्लिक फुल इंजॉय कर रही है यहाँ पे बढ़िया भाई कुछ भी कहो भाई बहुत पैसा वसूल हो गया भाई मजा आ गया। मतलब जो हमने कल इतना कष्ट झेला था ना इतनी लंबी ड्राइव करी और इतनी देर तक गाड़ी में बैठे भाई 24-26 घंटे जो भी था मैं कल जैसे रिव्यू दे रहा था ना भाई श्रीनगर में कि भाई हमें टूरिज्म में वो मजा नहीं आया उन सारी बातों को साइड रख के अब एक सेटिस्फेक्शन मिली है यहाँ पर आके जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी ना उससे ज्यादा अच्छा मिला यहाँ पे बेटर मिला। यहाँ पे बहुत कम पब्लिक आती है बट अच्छा भी है क्योंकि ज्यादा पब्लिक आते ना भाई हाँ। तो मैं बता रहा हूँ जितनी सुंदर वो चीज होती है ना उसी को उतना गंदा करके जाती है क्योंकि पब्लिक का काम गंदी कर देना इसीलिए भाई कभी भी आप बाहर भी जाओ ना टूरिज्म कभी भी आप बाहर जाते हो ना कितनी भी सुंदर जगह है भाई प्लीज वहाँ पे कूड़ा कचरा कुछ मत फैलाओ अपना कूड़ा अपनी गाड़ी में रखो अपना सारा कूड़ा अपनी गाड़ी में रखा हुआ है जहाँ मैं डस्टबिन देख रहा था हमने वहीं फेंका सारा कूड़ा और कोई गंदगी वगैरह कुछ नहीं फैलाई है ना कोई हेट फैलाई है हमने और भाई अपना बढ़िया से आई इंजॉय करे फैमिली के साथ और बहुत मजा आ रहा है और आपको भी मजा आ रहा है ना वीडियो देख के बढ़िया बढ़िया बहुत मजे। और अगर भाई बढ़िया बढ़िया व्यूज आपने देख लेने तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। टेम्परेचर -1 में चला गाड़ी में -1 है बाहर का नेटवर्क तो आ नहीं रहा मेरा फोन तेरे पे नो नेटवर्क 5:12 हो गए भाई देखते गए रूम वगैरह देखते पहले और आज और कल तो यहीं पर है कल देखते हैं सुबह का अगर कुछ प्लान बनता है कहीं नेक्स्ट जगह का वो कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको कुछ अलग ही होगा तो भाई अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ लगा दिया और दूसरी गाड़ी भाई वहाँ लगा रहा रवि और यहाँ से भाई ऊपर होटल पे पता करने जा रहे हैं भाई होटल वगैरह चेक देखता हूँ बहुत सारे हैं होटल गेस्ट हाउस टाइप के फटाफट से जाके पता करते हैं उसके बाद फटाफट से यार चेक इन करते क्योंकि यहाँ तो भाई बाहर बहुत ठंड है भाई हाथ पैर जम रहे और ये ना बर्फ़ ऐसी फिसल रही है ना ये बर्फ़ भाई बहुत ज़्यादा फिसल रही है गाड़ी पार्क लगाई थी ना गाड़ी का टायर ऐसे रिपट रहा था धक्का दे के गाड़ी को साइड में लगाया भाई होटल वगैरह यहाँ पे भाई प्राइस भाई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है जबकि अभी सीज़न ऑफ है यहाँ पे पब्लिक है नहीं कोई भी और गिनती के 2-4 होटल खुले हैं बाकी सारे जितने भी हैं भाई सारे बंद हो रखे हैं ये सारे के सारे होटल बंद है भाई इस वजह से यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस बता रहे यार बहुत ज़्यादा 10,000 रुपये रूम 5,000 रुपये रूम 4,000 रुपये रूम। गाड़ी अब यहाँ से फटाफट से बैग लेके और देखते आगे कहीं थोड़ा ठीक ठाक सा होटल मिल जाए ज़्यादा हाई फाई होटल नहीं चाहिए हमें डिसेंट सा कोई होटल मिल जाए तो वहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल निकलते फटाफट से यहाँ पे इससे पहले कि अंधेरा और अंधेरे में यार फंसना नहीं चाहते क्योंकि साथ में फैमिली भी है हम तो भाई जैसे मर्जी कर लेंगे बट साथ में फैमिली भी है ना। चलो गाइस देख लो भाई पूरी गाड़ी रिपट रही है ट्रैक्शन नहीं मिल रहा गाड़ी को ले जा आगे लिया बैग लिया अबे क्यों डर रहा है तू
ओ भाई इसकी माँ साथ में है। ले जा ले जा। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है पैर, एकदम ब्लैक आइज है कि नीचे देख रहे हो, बिल्कुल चिकनी एकदम ब्लैक आइज। चल संजय आ जा गाड़ी में बैठ, अंधेरा हो जाएगा ना थोड़ी देर में। भाई इसके फ़ोन में देखो आइज, वो दिखाइए क्या करा तूने, अंदर चली गई आइज, अंदर चली गई। ऐसे काम मत कर, फ़ोन ख़राब हो जाएगा भाई, बेशक तेरे पर पैसा भाई तू नया फ़ोन ले लेगा, ऐसा मत कर। लेके देखो ये डी एल नंबर गाड़ी इको स्पोर्ट, सारी मार्केट ही बंद है यार, ये देखो लाइन से सारी मार्केट बंद। संजय बैक करवा, देखो भाई काट ले, आगे काट ले। यहाँ पे घुड़सवारी भी कर रहे लोग। चल भाई आजा संजय, तो भाई यहाँ से हमें ना एक भाई ने हमें कार्ड दिया था, अरे कार्ड वगैरह मिला यहाँ पे, हमने कॉल करा है और वहाँ पे हमें अपने मतलब के प्राइस का रूम मिला है, तो भी वही लोकेशन मांगी हमने भाई से और जा रहे हैं फटाफट से, यहीं पर है, यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर है, तो अब वापस ऊपर वाली रोड से वापस जा रहा है उसी लोकेशन पे जो भाई ने भी हमें व्हाट्सएप पे भेजी है, और देखते हैं अगर वहाँ पे रूम ठीक मिला तो वहाँ पे स्टे कर लेंगे भाई, बाकी ये तो भाई आगे चल के जो भी होता दिखाते रहते हैं आपको। और एक बारी मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ, देखो भाई रात को कितना प्यारा सा लग रहा है भाई, अभी मतलब उतनी अंधेरा हुआ नहीं है बट फिर भी गाड़ियों की लाइट वाइट तो जल चुकी है सबकी, 5:51 हो गए भाई, 6 बजने वाले हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल के बाद, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मिल गया। अभी टाइम एग्जैक्ट कितना हो रहा है, ये अपना भाई हमारे को एक वो मिला है गेस्ट हाउस टाइप का रेस्टोरेंट, तो यहीं पे अपना रूम है ऊपर, और अब सामान वामान लेके जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद, ये हीटर भी अपना एक लेके चले जाते हैं, वैसे हीटर इन पर है और फिर भी एक एक्स्ट्रा हम लेके चले जाते हैं अपना, ठीक है इसको एक बार ही ऐसे रखो भाई, और कुछ तो नहीं निकालना, चलो इसको। चलो रात को गैलेक्सी दिखेगी, देखते हैं मौसम साफ रहा तो ऊपर आसमान में देखो बादल हल्के हल्के तो दिख रहे हैं ना, लॉक कर दे अब देख एक बार, अभी भी नहीं हुई, अब देख अब हो गई, आ सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है, अपना डिनर वगैरह कर रहे हैं, ये अपना रूम लिया हमने, पत्थर हो जाएगा गरम भी है, वगैरह भी है अपना मिक्स वेज और आलू मटर की सब्जी और पराठे वगैरह, बाकी अभी रूम टूर वगैरह कल दे देंगे, अभी तो कुछ दिखेगा भी नहीं अंधेरे में, बाकी मॉर्निंग व्यू भी तो दिखाना है, मॉर्निंग व्यू दिखाएंगे। सो गाइज अभी भाई डिनर वगैरह करके लेट चुके हम, जी जो और सब अपने कमरे में चले गए और हम अपने कमरे में लेटे हुए, और रवि वॉशरूम में जा रखा अभी, अभी भाई इस टाइम पे टेम्परेचर है भाई -13 या 14 के समथिंग कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कितना, -14 भाई अभी इस टाइम पे टेम्परेचर, टाइम कितना हो रहा है अभी, 8 कह रहा हूँ, 12:13 हो गए, अभी नींद नहीं आ रही हमें, और अभी ऐसी पूरी रात मुश्किल, मैं भी जैकेट पहन के सोऊंगा, कल भी मैं जैकेट पहन के सोया था, और भाई यहाँ से बाहर इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना यार, माउंटेन मतलब ऐसे बर्फ साफ चमक रही है, अगर हम लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके ऐसे देख रहे ना भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई ये जस्ट हमारे रूम से बाहर का नज़ारा है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी भी दिख रही होगी हमारी, ये नहीं अभी इतनी साफ दिख नहीं रही है, और सामने देख रहे हो भाई ये पूरा वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये भाई माउंटेन्स है भाई, ये रियल आंखों से भाई बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि मतलब बिल्कुल ही अंधेरा, रोशनी सी लग रही है क्योंकि इन पर मून लाइट ऐसे चमक रही है ना इस पर, तो ऐसे रिफ्लेक्शन सा आ रहा है, एकदम रोशनी रोशनी सी दिख रही है पूरे रोड पे भी,
देखो, और ये सामने ग्राउंड में भी यहाँ भाई पूरा स्नो से कवर है, बहुत ठंड हो रही है भाई। तो भाई आ गया भाई वॉशरूम से, आ गया भी वॉशरूम में था, हाथ धोने पर ऐसा लग रहा है हाथ जम गया, हाथ धोने का मन ही नहीं कर रहा। मैं हाथ धो के जैसे निकला भाई, अपना ब्लोवर रखा हुआ था उसके आगे फटाफट हाथ रखे ऐसे, और अब फटाफट सो जाएंगे क्योंकि अब 12:30 तो ऐसी बजली है और बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, -14 -15 और ये 16-17 तक जाएगा अगर देख, तो मैं स्क्रीन शॉट डाल दूंगा यहाँ पे कहीं पे। बाकी आज का दिन भाई था बहुत बढ़िया और फन एडवेंचर भी था और थोड़ा भाई रिस्क भी था, आज स्नो में भी तो गाड़ी चलाई, स्नो में भी गाड़ी चलाई तो बहुत मजा आया भाई। और बाकी जो जो इतने सुंदर सुंदर नजारे दिखे हमें वो अलग। तो अब भाई इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं, आई नो कि बहुत बड़ी क्लिप बनी होगी, मैंने शायद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर भी दिया होगा, पता नहीं, ये तो एडिटिंग के टाइम पे जब बैठूंगा तो देख लेंगे उस टाइम पे। बट फिलहाल इस वीडियो को कर देते हैं यहाँ पे एंड, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कमेंट लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ कर दो यार, फॉलो भी करो हमें इंस्टाग्राम पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं कल सुबह, बाय 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 गाइस।